धर्मशाला में शाहपुर के हक के लिए प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया नवनियुक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो शून्य सत प्रकाश बंसल से मिले। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभालने पर मिलकर दी बधाई और शॉल टोपी पहनाकर किया स्वागत। शाहपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू के हिस्से की मांग को लेकर आज भी केवल सिंह पठानिया प्रयासरत है। ये बात तब पता चला जब केवल सिंह पठानिया केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रो शून्य सत प्रकाश बंसल को बधाई देने पहुंचे। तब भी शाहपुर की जनता की आवाज नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष रखी। पठानिया ने नए कुलपति को अवगत करवाया कि शाहपुर के भीतर दो जगह शिक्षा विभाग के नाम पर जमीन खाली है, उसमें सीयू का कुछ भाग स्थायी रूप से स्थापित किया जाए, इससे शाहपुर के साथ न्याय हो सकेगा। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को सीयू की सौगात दी थी, तब प्रदेश में भाजपा सत्ता में थी। उस समय इसे स्थापित करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी तो मंझगरा के 18 परिवारों ने भवन बनाने के लिए जमीन दान दी थी। अब राजकीय महाविद्यालय शाहपुर का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और जिस भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालय की कक्षाएं चली थी उस भवन को केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम करके कुछ भाग केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसी भवन में स्थायी रूप से चलाया जाए और शाहपुर में और भी खाली जमीन है। प्रदेश सरकार उसको देखकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के आधे भाग को शाहपुर में स्थापित किया जाए। पठानिया ने कहा कि इस मसले को HRD केंद्रीय मंत्री को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है। माननीय वाइस चांसलर महोदय को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले तो मुबारकबाद दी है, नए वाइस चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय के आए हैं और हमने विनम्र प्रार्थना की है, जो प्रार्थना हमने मुख्यमंत्री से की थी, केंद्रीय मंत्री से की थी, कि जहां देहरा और धर्मशाला के अंदर ये परिसर स्थापित हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि कुछ एक फैकल्टी जो है वो हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर है, जो छतरी के अंदर है, जो इनका टेम्परेरी आजकल का विश्वविद्यालय है, वहाँ कम से कम 4 या 5 स्कूल ऑफ थॉट चले, यही विनम्र प्रार्थना हमने। धर्मशाला से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सन्नी महाजन की रिपोर्ट।